दोस्तों, अगर आपको भी 20,000 रुपए के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आज हम ऐसे दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे कि Vivo Y200e 5G और OnePlus Nord CE3 Lite 5G। दोनों की प्राइस को देखोगे तो Vivo Y200e की प्राइस मिलती है 21,000 रुपए, 8GB रैम और 128 के अंदर, और ये आपको 6GB रैम के अंदर भी मिल जाता है, जिसकी प्राइस 20,000 रुपए है। तो यार दोस्तों, डिस्काउंट वगैरह लगाकर यहाँ पे 8128 भी आपको 20,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और अगर OnePlus की बात करें तो ये जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस भी 20,000 थी, पर दोस्तों अभी इसकी जो प्राइस है 8128 की 17,500 रुपए है। और भी अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और ये 20,000 रुपए के अंदर तो आपको 256GB के अंदर भी मिल जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही क्लियर करने वाले हैं कि आपको OnePlus की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको Vivo की तरफ जाना चाहिए। और आपको पता होगा दोनों स्मार्टफोन हमें किसी भी ब्रांड वगैरह ने नहीं भेजे हैं, हमने खुद ने परचेज किए हैं, तो आपको जो भी बताएंगे एकदम सच बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों को लुक वाइज देखोगे ना तो यहाँ पे Vivo की जो नई डिजाइनिंग आई है, पीछे लेदर की डिजाइन मिलती है और ये ना गंदा बहुत कम होता है, अगर इसके ऊपर कॉफी वगैरह भी डालोगे तो गंदा नहीं होगा। और इसके फ्रेम के ऊपर काफी ज्यादा फिंगर वगैरह छपते हैं, और जो कैमरा का मॉड्यूल है काफी ज्यादा सिंपल सा बनाया गया है। अगर OnePlus की डिजाइन आप देखोगे, पीछे आपको प्लास्टिक मिलता है, जबकि ऐसे फील ग्लास होता है पर प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसके पीछे ना बहुत ज्यादा फिंगर छपते हैं, और जो कैमरा का मॉड्यूल है इसके अंदर भी काफी ज्यादा सिंपल बनाया गया है। और अगर पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे ना तो यहाँ पे OnePlus के अंदर आपको राइट साइड के अंदर पावर बटन मिलता है, और जो फिंगर प्रिंट है वो आपको पावर बटन के ऊपर ही मिलता है। नीचे की साइड में आपको स्पीकर मिलते हैं, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक, और नीचे आपको इसके अंदर ना 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर आप या तो दो सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड, एक सिम कार्ड डाल सकते हो। और ऊपर की साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। और अगर Vivo की तरफ देखोगे तो राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट है वो आपको डिस्प्ले के अंदर मिलने वाला है। नीचे की साइड में देखोगे स्पीकर मिल जाते हैं, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक के नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। इसके अंदर भी एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या फिर आप दो सिम कार्ड डाल सकते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर देखोगे कुछ भी नहीं, और ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको स्टीरियो के ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, जो कि यार Vivo ना इस प्राइस के अंदर मेरे हिसाब से पहली बार ड्यूल स्पीकर दे रहा है। और जो यहाँ पे सेकेंडरी ड्यूल स्पीकर है वो यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। और हमने इन दोनों की यहाँ पे आवाज को भी काफी ज्यादा टेस्ट किया है, तो दोस्तों Vivo की आवाज काफी ज्यादा लाउड निकल कर आती है OnePlus से। और अगर दोनों की डिस्प्ले को देखोगे तो Vivo के अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और इसके अंदर दोस्तों आपको 120Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलती है, और दोस्तों इसके अंदर आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। और अगर OnePlus की तरफ देखोगे तो इसके अंदर आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, और इसके अंदर भी आपको 120Hz रिफ्रेश रेट तो मिल ही जाती है, पर इसके अंदर दोस्तों आपको 680 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो हमने इन दोनों को धूप वगैरह के अंदर भी काफी ज्यादा यूज करके देखा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो Vivo की डिस्प्ले है काफी ज्यादा ब्राइट निकल कर आती है। तो दोनों के अंदर यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले मिलती है, तो यार अगर आपका मतलब बाहर धूप वगैरह में काम ज्यादा पड़ता है तो आप Vivo की तरफ जा सकते हो। और अगर दोनों का वेट देखोगे ना तो यहाँ पे वेट भी दोनों का लगभग सेम है, Vivo थोड़ा सा ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है, जबकि दोनों के अंदर 5000mAh की बैटरी है, पर यहाँ पे Vivo के अंदर चार्जर ना 44W का ही मिलता है, पर OnePlus के अंदर आपको 67W का चार्जर मिलता है। तो यार अगर आपको मतलब चार्जिंग थोड़ा फास्ट करना है तो भी आप OnePlus की तरफ जा सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं दोनों के प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा OnePlus ना यहाँ पे प्रोसेसर के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि इसके अंदर अच्छी खासी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, पर दोस्तों अब की बार कुछ उल्टा होने वाला है। जैसे कि Vivo के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर तो स्कोर वगैरह देखोगे 4.5 लाख से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। OnePlus के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 695, जो कि दोस्तों अभी के टाइम में जो 12-13 हजार रुपए के स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इन दोनों के प्रोसेसर को कंपेयर करें ना तो Vivo का प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा निकल कर आता है, और ऐसे कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत भी जो डिफरेंस है वो Vivo का प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा है। और हमने इन दोनों के अंदर ना यहाँ पे ऐप वगैरह भी ओपन करके देखे हैं, दोनों स्मार्टफोन को साथ में ओन भी किया है, तो यार Vivo थोड़ा सा फास्ट नजर आता है OnePlus से। जबकि दोस्तों आपको बता होगा Vivo ना एक ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन बनाने की ट्राई करता है, इसके अंदर कोई भारी प्रोसेसर वगैरह नहीं होते हैं,
पर अब की बार यहाँ पे वन प्लस से थोड़ा सा भारी है। दोस्तों वीवो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के अंदर मिलता है, जबकि वन प्लस आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 ही देखने को मिलेगा। और वन प्लस के अंदर हम जब भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे तो अगले वाले को पता चल जाता है, पर वीवो के अंदर गूगल डायलर नहीं मिलता है, हम आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं दोनों के कैमराज के बारे में कि यार कैमरा में कौन विनर निकलता है। वीवो के पीछे आप देखोगे दो कैमराज मिलते हैं, जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, 82 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका कोई ज्यादा यूजेज नहीं है, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों यहां पे पीछे दिखने में ऐसे लग रहा है कि यहां पे एक तीसरा कैमरा और है। तीसरा यहाँ पे कैमरा ने फ्लिकर सेंसर दिया गया है, जैसे कि हम जब भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे वीडियो के अंदर फ्लिकरिंग होने लग जाती है, तो वो इसकी मदद से यहाँ पे फ्लिकर नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे वन प्लस के पीछे देखोगे इसके पीछे भी 3 कैमराज मिलते हैं, तो इसके अंदर भी जो काम का कैमरा है वो सिर्फ एक ही है, जो कि 108 मेगापिक्सल का है। और 22 मेगापिक्सल के दो कैमराज और दिए गए हैं जिनका कोई ज्यादा यूजेज नहीं है, और इसके अंदर भी फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का ही मिलता है। तो दोस्तों आपको पता होगा मेगापिक्सल तो कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 108 है। तो हमने ना काफी सारी फोटोज क्लिक की जो कि आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि दोनों में से ना कैमरा किसका ज्यादा अच्छा। हमने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक की, जैसे कि आप इस फोटो को देखिए। अब वन प्लस के अंदर देखोगे दोस्तों यहाँ पे पीछे सूरज वगैरह को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, ये देखिए। पर यहाँ पे वीवो के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सूरज को भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, और यहाँ पे स्क्रीन का कलर भी चेंज हो चुका है। और अगर पोर्ट्रेट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट के अंदर भी यहाँ पे सूरज को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है सेल्फी के अंदर यहाँ पे वन प्लस, जबकि यहाँ पे वीवो के अंदर ये देखिए स्किन वगैरह को यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, सूरज का भी यहाँ पे कुछ अता पता नहीं है। और अगर सूरज के ऑपोजिट में आप फोटोज क्लिक करोगे, ऐसे जैसे कि हमारे सामने सूरज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन प्लस के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे व्हाइट हो चुका है, जबकि यहाँ पे वीवो ने ना बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ा और जूम करने में देखते हैं कि यार ब्लर कौन सही से कर पाता है, तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा जूम ज्यादा कर सकते हैं वन प्लस के अंदर, जबकि वीवो के अंदर थोड़ा यहाँ पे कम ही जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल है, और यहाँ पे वाइटनेस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और भी यहाँ पे दिखाऊँ नॉर्मल कैमरा से तो यहाँ पर भी सेम वही है, ये देखिए यहाँ पे एकदम नेचुरल सी डिटेल है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक शो रहा है, जबकि यहाँ पे लाइट को ना यहाँ पे स्किन के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं करवा रहा है, देखिए व्हाइट ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे देखिए सूरज की फोटो हमने क्लिक की है तो यहाँ पे वीवो के अंदर ना स्काई को पूरा ब्लू कर देता है, जबकि यहाँ पे ब्लू था पर इतना ज्यादा ब्लू नहीं था। और यहाँ पे वन प्लस के अंदर देखिए पूरी स्काई यहाँ पे व्हाइट हो चुकी है। बैक कैमरा से आप देखिए अब वीवो के अंदर जूम करते हैं और यहाँ पे वन प्लस के अंदर जूम करते हैं, तो दोनों के अंदर ही काफी अच्छी फोटो निकाल के दे रहा है। यहाँ पे देखिए बैक कैमरा के अंदर यहाँ पे देखोगे वन प्लस के अंदर थोड़ा सा ब्लैक नजर आ रहा है, जबकि वीवो के अंदर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट है और काफी अच्छी फोटो यहाँ पे लग रही है। दोनों के अंदर पोर्ट्रेट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखिए शर्ट के कलर के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है, ये देखिए वीवो के अंदर पूरी ब्लैक हो चुकी है, जबकि पूरी ब्लैक एक्चुअल में है नहीं। यहाँ पे वन प्लस के अंदर देखिए यहाँ पे जो नेचुरल है वही आपको शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट को देखे दोनों को यहाँ पे जूम करके देखते हैं कि ब्लर दोनों में से कौन से में सही हुआ है, तो ये देखिए ब्लर दोनों में यहाँ पे ठीक हो जाता है। वीवो के यहाँ पे कानों के नीचे देखोगे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, और यहाँ पे दोनों के अंदर ही ब्लर काफी अच्छा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने बैक कैमरा से भी सूरज के सामने ट्राई किया तो यहाँ पे तो वीवो काफी अच्छी फोटो निकाल के दे रहा है, देखिए। जबकि यहाँ पे वन प्लस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जो बैक कैमरा से वीवो के अंदर सही फोटोज आ रही है, देखिए पोर्ट्रेट के अंदर भी हमने क्लिक किए, दोनों के अंदर आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे और भी बैक कैमरा से देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे वन प्लस के अंदर थोड़ी सी डिटेल सही देखने को मिल रही है, देखिए दोनों के अंदर आप यहाँ पे साइड बाय साइड देखोगे कलर वगैरह, तो यहाँ पे वन प्लस के अंदर सही देखने को मिल रहा है। और पोर्ट्रेट के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए पोर्ट्रेट के अंदर भी देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे वीवो के अंदर एकदम नेचुरल से यहाँ पे फोटो निकाल के दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फोटोज आप देख सकते हो दोनों के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर दोस्तों यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलता है, जैसे कि ये देखिए अब इस फोटो के अंदर भी दोस्तों बाहर से लाइट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वीवो के अंदर बिल्कुल भी मतलब कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, देखिए पूरा एकदम व्हाइट है, पीछे से स्किन का जो कलर है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला सा हो चुका है, जबकि वन प्लस के अंदर काफी अच्छे से मेंटेन कर देता है, देखिए पीछे की चीजों को भी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन कर दिया और स्किन को भी अच्छे से मेंटेन कर देता है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि दोनों का कैमरा एवरेज है, थोड़ा सा यहाँ पे वन प्लस के अंदर मतलब लाइट वगैरह को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो यार दोस्तों आपने फोटोज देखी, आपको पता चल चुका होगा, तो यहाँ पर दोस्तों लाइट वगैरह को देखोगे वन प्लस थोड़ा सा सही से यहाँ पे कंट्रोल कर पाता है। और दोस्तों यहाँ पे फोटोज के अंदर मतलब स्पेशली मुझे कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिला है, हाँ कभी कभार इसके अंदर अच्छी आ रही है तो कभी इसके अंदर अच्छी आ रही है। और दोस्तों अगर वीडियो की बात करें तो दोनों के अंदर ही हम बैक कैमरा से 1080 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि मेरे हिसाब से कम 60 FPS का तो ऑप्शन मिलना ही चाहिए था। तो यार दोस्तों अगर मैं मेरा फाइनल रिव्यू आपको दूं कि यार आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपको किस चीज के लिए स्मार्टफोन लेना है,
जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डिजाइनिंग पीछे की लेदर की फिनिशिंग चाहिए या फिर आपको पीछे प्लास्टिक चाहिए तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको मतलब ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप यहाँ पे वीवो की तरफ जा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी तो दोनों के अंदर सेम है ही, चार्जर ज्यादा चाहिए, मतलब मेन टारगेट आपका चार्जर का है, चार्जर का इशू रहता है आपके, तो आप वन प्लस की तरफ भी जा सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर मतलब वैसे तो सेम है पर थोड़ा सा भारी चाहिए तो वीवो की तरफ जा सकते हो। अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए, जैसे कि आप कभी कभार फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, नॉर्मल आपको बात वगैरह करनी है, रील्स वगैरह देखनी है, तो आप वन प्लस की तरफ भी जा सकते हो क्योंकि इसकी प्राइस काफी कम मिलती है, क्योंकि 20,000 थी पहले पर अभी आपको मतलब 17,500 से 17,000 के अंदर मिल जाता है, तो इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। तो यार दोस्तों आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा खरीदने वाले हो, कौन सा खरीदा है कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।